तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक स्नो ट्रैक के लिए जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो विल बी इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात करी थी कि किसी भी ट्रैक के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं। तो वो चीज़ें तो हैं एंड दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मतलब स्नो के लिए स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो उसका लिंक यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं पर होगा, तो एक बार उसको देख लो एंड उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि उस वीडियो के अंदर ही कुछ चीज़ें जिन पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। करेक्शन क्या रहेगा कि सबसे पहली बात शूज़, जो शूज़ रहेंगे वो आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए एंड लॉन्ग एंकल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्नो होगी, तो स्नो है तो सारी की सारी स्नो आपकी चारों तरफ लगेगी, तो आप नहीं चाहते आपके पैर गीले हों। सिमिलरली आपके जो ग्लव्स हैं, ग्लव्स आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए, एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंट तो होने ही होने चाहिए एंड अंदर से वार्म भी अच्छे खासे होने चाहिए क्योंकि स्नो का मतलब होता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री या उससे कम है, तो गर्म और वाटर रिपेलेंट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए अगर प्रूफ नहीं भी हैं तो ग्लव्स। ठीक है, ऑल्सो जो आपकी जैकेट है, या फिर आपकी जो ट्रैक पैंट है वो भी कुछ हद तक वाटर प्रूफ होनी ही चाहिए अगर आप कंफर्टेबली ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये आ जाता है जो मेरे लिए भी था कि यार अब एक ट्रैक के लिए मैं इतना खर्चा क्यों करूँ या मैं इतना खर्चा कैसे कर सकता हूँ एक ट्रैक के लिए। एंड बहुत वैलिड कंसर्न है, अगर आपके अंदर ये कंसर्न नहीं आ रहा है तो कंसर्न की बात है। तो देखो द थिंग इज़ कि इक्विपमेंट में थोड़ा खर्चा तो होता है, तो आप उसके लिए दो टिप्स हैं, या तो आप कोशिश करो कि चीज़ों को आप रेंट लो। ठीक है, मतलब कुछ शहर होते हैं, मतलब काफ़ी शहर होते हैं जहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं जो कि इक्विपमेंट को रेंट पे देती हैं, तो अगर आपको एक अच्छा इक्विपमेंट रेंट पे मिल पा रहा है तो वो बहुत सही बात है, या आप अपने किसी दोस्त से अरेंज कर लीजिए। या फिर अगर आप कुछ ऐसी मल्टीपर्पज़ चीज़ें खरीदें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैकेट ली, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग अ जैकेट आपको एक ऐसी जैकेट लें जो आप ट्रैक के अलावा भी कहीं यूज़ कर पाएँ, तो शायद आपको बुरा कम लगेगा उतने पैसे खर्च करने का। तो ये थोड़े से मतलब चीज़ें हैं जिसकी मदद से आपको थोड़ा सा कम बुरा लगेगा पैसे खर्च करने के लिए। अब बेस्ट चीज़ तो वही है कि आप तुम किसी से अरेंज कर लो अगर तुम्हारा एक ही ट्रैक पर जाने का गोल है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है हमारी फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, फ्लीस नाम थोड़ा सा फैंसी है बट देखा जाए तो बस ये एक थोड़ा सा वुलन कपड़ा होता है जो कि आप जैकेट के नीचे पहनते हो। ठीक है, जैसे ये वाली जैकेट है, ठीक है ना, तो इस जैकेट के नीचे आप ये वाला कपड़ा पहनते हो एंड इससे जो है ना आपकी ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर देता है अंदर के माहौल को, तो उससे क्या होता है उससे मतलब एक हीट मेंटेन रहती है। तो एक फ्लीस और सिर को ढकने के लिए एक कैप, ये पिछली वीडियो में था वैसे, बट अगेन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई पिछली वीडियो की बातें, अब हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक स्नो ट्रैक से स्पेसिफिक बातें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके ट्रैक स्नो ट्रैक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक पेयर ऑफ सनग्लासेस। एंड अगर ये सनग्लास आप यूवी रेज वाला ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसका रीज़न ये है कि जितना आप ऊपर जाते हैं ना उतना ज़्यादा आप सन के भी पास जाते हैं, एंड जब आप सन के पास जाते हैं तो एक तो सन की रेज डायरेक्टली आपको हिट करती है, दूसरा आपके चारों तरफ स्नो है। स्नो किस कलर की होती है, वाइट कलर की, और फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जैसे ही कोई मतलब जैसे कोई सनलाइट स्नो पे पड़ती है तो वो सीधा आपकी आंखों पे आती है। एंड इससे कभी कभी स्नो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। स्नो ब्लाइंडनेस सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब डरावना सा लगता है, बट इसका मतलब ये है कि कुछ मिनटों या घंटों के लिए आपको जो है ना चीज़ें बहुत ब्लैक ब्लैक दिखने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ खड़े हो, मैं आपकी आंखों पे आके लाइट मारने लगूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है ना कि सब कुछ एकदम ब्लैक दिखने लगता है, उसको उसी सिमिलर चीज़ को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर आपको उससे बचना है तो आप एक सनग्लासेस ज़रूर रखें, स्नो ट्रैक पे तो बहुत ज़्यादा असेंशियल है सनग्लासेस। मैं बिल्कुल मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। दूसरा एक चीज़ जो आप रख सकते हैं वो है एक सन कैप, ये मतलब चारों तरफ वाली है, आप चाहो तो मतलब सिर्फ वो जो आगे वाली होती हैं जो स्पोर्ट्स वाली होती है वो भी रख सकते हो। ठीक है, इससे बस जो चारों तरफ वाली होती है उससे ये होता है कि जो आपकी नेक वगैरह है ना वो भी कवर हो जाती है, तो उस पर भी थोड़ी सी मतलब गर्मी वगैरह कम लगती है, बाकी तो कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़, एक थर्मल बॉटल।
अगर आप स्नो ट्रैक पे जा रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर 0 डिग्री है, एंड अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रात का टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। तो जब आप सुबह उठोगे और आपको पानी चाहिए होगा, भले ही वो मतलब आपको नेचर कॉल को अटेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए या फिर मतलब पीने के लिए पानी चाहिए, तो अगर ऐसा मतलब हो सकता है कि जो अगर आप प्लास्टिक की बॉटल में पानी लेके आएँ तो वो जम जाए रात रात में, तो उसके लिए एक थर्मल बॉटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसकी ज़रूरत कैंप्स पे ही पड़ती है, ट्रैकिंग वगैरह के टाइम पे तो आप गर्म पानी नहीं पीते हो, तो कैंप्स वगैरह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसकी ज़रूरत जब पड़ती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसको आप रख सकते हो। और इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि आप जब स्लीपिंग बैग में सो रहे हो, है ना, तो जो प्लास्टिक की बॉटल है आप अपने साथ ही मतलब स्लीपिंग बैग के अंदर लेके सो जाओ, तो उससे भी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ खास बर्फ़ उस प्लास्टिक की बॉटल में जमेगी। ठीक है, अगली चीज़ जो है, आप स्नो ट्रैक पे जा रहे हैं और अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आप सन के और ज़्यादा पास जाते हो, तो जैसे आपने सनग्लासेस रखे उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र, बेसिकली ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मॉइस्चराइज़र तो इसलिए क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, एंड मतलब मुझे तो पसंद नहीं है वो, मतलब ये पर्सनल प्रेफरेंस है। एंड सनस्क्रीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वंस अगेन ऊपर जा रहे हो, मतलब एकदम सन एकदम बहुत ज़्यादा पास है तुम्हारे, तो तुम्हारी मतलब स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं, तो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगर आपको आप प्रेफर करते हो तो मतलब अच्छी बात है, ये मैं कहूँगा पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली इसी कैटेगरी में ऐड होती है वैसलीन, क्योंकि ऊपर अगेन मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हवा चलती रहती है, तो जो होंठ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो उसके लिए वैसलीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है कि ये जो उंगलियाँ होती है ना, तो इसकी उंगलियों नाखून की जो चारों तरफ वाली स्किन होती है ये भी फटने लगती है, तो इन सब चीज़ों पे वैसलीन लगा के हमेशा मतलब सही लगता है। तो और वैसलीन आती क्या, 5 रुपये की तो वैसलीन आती है, तो इसको भी रख सकते हो तुम अपने साथ। ठीक है, अगली चीज़ मैं कहूँगा कॉफ सिल्स और इनहेलर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉफ सिल तो भाई साहब मेरे लिए तो मुझे तो लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि मेरे साथ ट्रैक पे हमेशा होता है कि जैसे ही स्नो ट्रैक वाला दिन शुरू होता है मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो कॉफ सिल बहुत ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि जब आप कॉफ सिल आपके मुंह में है तब तक आपको एटलीस्ट खांसी नहीं आती, तो कॉफ सिल भी सही है। एंड इस सेक्शन की जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, कि जब आप ठंड पे होते हो ना, जब आप ऊपर एक टेम्परेचर पे होते हो, तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो उसके लिए एक तो आपको अपने साथ एडिशनल पावर रखनी है, पावर बैंक रखिए, अगर आप मतलब फ़ोन्स वगैरह यूज़ करोगे, नेटवर्क तो नहीं आता बट आप वीडियो वगैरह तो बहुत बनाते हो ना, तो उन सब चीज़ों के लिए एक पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए, एक हो दो हो, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है जितनी आप वीडियोज़ बनाते हो। और दूसरी चीज़ कि ये जो पावर बैंक है ना, ये भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं जब आप ऊपर होते हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि जब भी आप इक्विपमेंट्स को चार्ज करें आप उसको अपनी ये जो आउटर वाली जैकेट होती है ना, आउटर वाली जैकेट, इसके अंदर रख के चार्ज करें, तो बेसिकली जितना हो सके इनको गर्म रखें अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को। एंड इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है कि डिकैथलॉन वगैरह पे कम्फर्टर्स आते हैं, हैंड वार्मर आते हैं, फीट वार्मर आते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैग के अंदर एक दो कम्फर्टर खोल के डाल दो, 5-6 घंटे के लिए वो आराम से इसको गर्म करके लगते हैं। एंड मैं जब भी कैंप में जाता हूँ तो रात के टाइम मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बैग में 2 कम्फर्टर्स खोल के डाल देता हूँ, तो मतलब सुबह ऐसा नहीं होता कि मतलब बिल्कुल जमे हुए मेरे इक्विपमेंट्स निकल रहे हैं। एंड एक टिप देता हूँ मैं, अगर आप मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते हो ऊपर मतलब ट्रैक वगैरह की, एंड आप GoPro वगैरह यूज़ करने की सोच रहे हो, तो एक बहुत मैं दुखद आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऊपर GoPro नहीं चलता। जब मैंने GoPro लिया था मुझे लगा था कि मतलब GoPro भाई हर जगह चलेगा, एकदम रगेड कैमरा है, बट अफसोस की बात है कि ऊपर GoPro नहीं चलता। इसकी बैटरी जैसे ही तुम बर्फ़ देखोगे इसकी बैटरी जवाब दे देती है, मतलब तुम इसको भले ही कितना चार्ज कर लो, इसकी बैटरी के अंदर 90% बैटरी भी होगी ना, तब भी ये कह देगा कि बैटरी इज़ टू लो एंड ये काम करना बंद कर देगा। तो उसकी हैक जो मैंने निकाली है, अगेन वो कम्फर्टर लो, वार्मर लो,
और अपनी एक जेब के अंदर उसको कंफर्टर को डालो एंड कैमरे को भी उसके अंदर डाल दो, ठीक है। एंड जब भी आपको यूज़ करना हो निकालो, शूट करो एंड एक दो मिनट आराम से वो शूट कर लेगा एंड फिर जैसी मतलब आपकी शूट खत्म हो वापस इसके अंदर डाल दो। तो बेसिकली इसको जितना हो सके उतना गर्म रखो गोप्रो को, तो आपका काम बनेगा, वरना गोप्रो वगैरह ऊपर नहीं चलते, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं कहनी भूल गया, ये फ्लीस वगैरह वाले पॉइंट में ही आता, जो आपकी पैंट वगैरह है अगर आपको पैरों में ठंड लगती है, ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जिनको पैरों में ठंड लगती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, एक तो आप वार्म सॉक्स को रखो, ठीक है। वार्म सॉक्स वगैरह आपको रात के सोते टाइम यूज़ होंगे, ट्रैकिंग के टाइम पे यूज़ नहीं होते। एंड बहुत ज़्यादा असेंशियल है कि आप वार्म पैंट्स को भी रखो, या फिर अगर आपको वार्म पैंट नहीं लेनी है तो फिर मतलब वो जो आते हैं ना अंडरगारमेंट कंपनीज़ बनाती हैं वो अंदर पहनने वाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो इनर के साथ वाले आते हैं ना, जो मतलब तुम पैंट के अंदर पहन सकते हो पूरा, एक लोअर वगैरह टाइप कुछ होता है, या तुम वो पहन सकते हो। तो ये थी आई थिंक स्नो ट्रैक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, एंड हमने 3-4 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं, आगे कोई फर्दर डिस्कशन होता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।